दोस्तों कसक पार्ट 3 के ट्रेलर उल्लू अपोलो ने अपने चैनल पर डाल दिया है। सो आज हम इसका ही रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ये सब नए नए अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके आता हूं सबसे पहले। दोस्तों चलिए फिर देखते हैं क्या दिखाता है इस ट्रेलर के पार्ट 3 में, और करते हैं इसके रिव्यू बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये लोग एक अच्छी खासी बायोग्राफी को ये लोग एक सेक्स सीरीज बना के रख दिए हैं, और इतना कचरा फैलाए हुए हैं, इतना गंदगी फैलाए हुए हैं, जो कि सीरीज 2 घंटे में खत्म हो सकती थी। ये लोग पार्ट 1 निकाले, पार्ट 2 निकाले और पार्ट 3 लेके आएंगे। मैंने इसकी पहले ही ऑलरेडी रिव्यू बना रखी है पार्ट 1 पार्ट 2 की, आप जाके उसे देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ उल्लू ऐप वालों से। प्लस ये लोग जो कहानी को लंबा खींच रहे हैं बिना मतलब का, और उसमें बिना मतलब का जबरदस्ती सेक्स सीन डाल रहे हैं, ये सबसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। हम सभी को पता है ये अरुणा संभोग की रियल लाइफ हिस्ट्री पे बेस्ड है, और उस पर ही बनी हुई है ये कहानी, क्योंकि उसने ही अपनी ज़िंदगी का 42 साल एक बेड पर निकाल दिया और उसको लास्टली इंसाफ नहीं मिला। कहानी में यही दिखाएगा, मैंने उसकी भी रिव्यू ऑलरेडी बना दिया, 2.5-3 मिनट की वो वीडियो क्लिप है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो कसक की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। सो मैंने वो पार्ट 1 की जब इन्होंने ट्रेलर बनाया था तभी मैंने उसको रिव्यू दिया था, और मुझे लगता था कि ये लोग पार्ट 1 बनाने के बाद ही खत्म कर देंगे इसकी कहानी, क्योंकि जब इसका ट्रेलर का रिव्यू मैंने दिया था, क्योंकि मैं उसी समय समझ रहा था कि ये उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ कहानी दिखाएंगे और पूरा वेब सीरीज में वही दिखाएंगे, थोड़ा इमोशनल होने जा रही है। लेकिन जब ये सीरीज आई तो पार्ट 1 में थोड़ा बहुत इंटीमेशन सीन दिया गया था, वो भी जबरदस्ती वाला। पार्ट 2 में तो बिना मतलब का सेक्स सीन्स डाले हुए था सब, और पार्ट 3 में भी मैं श्योर हूँ कि वैसा ही डालेगा सब। पार्ट 1 जैसा कि 4 एपिसोड्स में आई, पार्ट 2 3 एपिसोड्स में, पार्ट 3 में देखते हैं 3 आती है 4 आती है, लोग वैसा ही लंबा करते जा रहे हैं, बिना मतलब का खींच रहे हैं और अपना ऑडियंस का अट्रैक्ट कर रहे हैं कैसे भी करके इस सीरीज को चमके। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग अगर इंटीमेट सीन नहीं डालते हैं, इसमें डॉक्टरों का रासलीला नहीं दिखा के बस पॉलिटिकल वाला बात ही दिखा देते हैं कि कैसे करके ये शीतल को मार दिया सब, और एक्चुअल कातिल कौन है, उसके पीछे है खुद है क्या, कौन सा डॉक्टर इसको मारने में मिला हुआ है, मृणाल कब तक इसको इंसाफ दिलवा पाएगी। एक्चुअल में तो अरुण संभोग को इंसाफ मिला ही नहीं, उसका मर्सी पिटीशन वैसा ही खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सो इसमें भी वैसा ही दिखाएगा लास्ट में, अगर सच्ची कहानी दिखा रहा है तो, और नहीं दिखाता है तो पार्ट 3 में देखते हैं क्या होता है। और वैसे अब पार्ट 3 भी बिल्कुल चाटुस लगेगी, और मुझे तो पूरी तरह से अब दूसरी इसकी जब इसकी दूसरी सीजन आई थी तभी मुझे पूरी तरह से वाहियात लगी थी। अब पार्ट 3 आती है तो देखते हैं क्या होता है, उसकी वेब सीरीज आएगी तो मैं उसका रिव्यू बनाऊंगा, क्योंकि मेरा काम रिव्यू बनाना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।